हेलो गाइस, आज हम लोग स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट के सॉल्यूशन को वन शॉट में करने जा रहे हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और ये जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। और जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग इस तरह पहचान सकते हैं कि जिस स्टेट में सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसका सॉल्वेंट हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक गैसीय सॉल्यूशन, दूसरे लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरे सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं इनके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इनके सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्सचर करके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गैसीय सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्वेंट क्या होता है? गैस होता है, और सॉल्यूट गैस, लिक्विड सॉलिड तीनों हो सकता है, उसके एग्जांपल दिए गए हैं। उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं टेबल 2.1 में, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी है। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इनको हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली एक क्वांटिटेटिवली। ये जो क्वालिटेटिवली है ये सिर्फ इसकी क्वालिटी बताता है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, मगर ये क्वांटिटेटिवली है, ये पर्टिकुलर अमाउंट बताता है कि कितना स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए हम लोग जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्वांटिटेटिवली कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मास मास परसेंटेज यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ये जो ऊपर के चार दिए गए हैं वो इजी होते हैं, इसको आप लोग बुक से देखकर भी कर सकते हो। ये जो मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी मोलैलिटी है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, चलिए इनको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मोल प्रेजेंट होते हैं एक कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल ऑफ कंपोनेंट्स जो जितने भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उनके रेशियो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक सॉल्यूशन इसके अंदर ए और बी कंपोनेंट है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी दो कंपोनेंट प्रेजेंट है दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम। और ये जो एक्स ए दिया है या जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम लोग एक्स ए डिनोट करते हैं। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी दिया गया है, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और ये जो सॉल्यूशन होता है इनके अंदर जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं कंपोनेंट्स के, उनका अगर हम लोग सम करते हैं तो हमें यूनिटी यानी वन मिलता है। जैसे कि इस सॉल्यूशन में देख सकते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को सम कर रहे हैं तो हम लोग को वन मिल रहा है। और ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या है, आगे है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर ऑफ मोल जो है डिजॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी इसकी देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है, एन बी वाई बी। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वी वॉल्यूम है जो कि लीटर में है। और ये जो एन बी है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डी जो है इसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और वॉल्यूम तो लीटर है। और ये जो मोलैरिटी है इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और ये जो मोलैरिटी होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो मोलैरिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट, पर के जी ऑफ सॉल्वेंट यानी इतने नंबर ऑफ मोल एक के जी ऑफ मतलब सॉल्वेंट में। और इसका इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी मोलैलिटी को। और ये मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। और अगर हम लोग ग्राम में लेना हो तब हम लोग क्या करेंगे, एन बी इंटू 1000 कर देंगे अपॉन डब्ल्यू ए कर देंगे। और हम लोग एन बी को इस तरह भी देख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर 1000 से इंटू ग्राम में हो जाएगा। और ये जो यूनिट होती है इसकी क्या होती है, मोलैलिटी की, मोल पर केजी। और ये जो मोलैलिटी होती है ये डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर के ऊपर ना, और क्योंकि मास डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर के ऊपर, मतलब मोलैलिटी नहीं डिपेंड करती टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि मास डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसी को सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फिर चलिए हम लोग कई तरह की सॉलिबिलिटी देखते हैं। सॉलिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड एंड लिक्विड में सॉलिबिलिटी क्या होती है, इसमें एक रूल अपनाया जाता है, इसमें क्या होता है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। इसका मतलब कहते हैं कि एक जैसे होंगे तभी डिजॉल्व करते हैं इनमें। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो पोलर सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होंगे पोलर सॉल्यूट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्यूट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो सॉल्ट और शुगर है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, मगर ये जो नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन है वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो बेंजीन में डिजॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट और शुगर होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और ये पोलर सॉल्यूट होते हैं सॉल्ट और शुगर, और ये वाटर में डिजॉल्व इसलिए जाते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ये जो नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन है ये नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट होता है, मगर बेंजीन में इसलिए डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं।
और ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड होती है, इनमें इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो जैसे कि हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड होती है वो बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो होती है वो घट जाती है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है इस पर, तो इफेक्ट प्रेशर का कोई नहीं होता है, क्योंकि ये जो सॉलिड होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड होते हैं लिक्विड भी मेले इनकम्प्रेसिबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद आगे देखते हैं तो ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बाद सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड देखते हैं। तो इसमें क्या है, कई सारी गैसेस होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड के अंदर, यानी वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, और ऐसी गैस जो होती है वो भी हाईली सॉलिबल होती है वाटर के अंदर। मगर ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज होती है इन पर इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर को हाई कर देते हैं तब क्या होता है, जो सॉलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब हम लोग प्रेशर को कम कर देते हैं तो सॉलिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके आप लोग एग्जांपल भी मान सकते हैं, एक मान लीजिए कंटेनर है वो बंद है, उसके अंदर जितनी गैस है वही डिजॉल्व होगी। अभी उस कंटेनर का जो ढक्कन है उस पर प्रेशर लगाया जाए, नीचे करा जाए, तो जो गैसेस होगी वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉलिबल होगी, जब हम लोग प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे और वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्केप होंगे बड़ी तेजी से, इससे क्या होगा जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होगी वो कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जब हम लोग घटाएंगे तब सॉलिबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसीलिए जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में रदर देन वार्म वाटर, क्योंकि ये जो जल्दी होते हैं ये कोल्ड वाटर में सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं गर्म पानी से। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या है, इसी ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है इसके ऊपर एक हेनरी थे, उन्होंने एक लॉ दिया और कहा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वेपर फेज में, मतलब एयर में, उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मोल फ्रैक्शन गैस का प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। और इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, पी गैस इज इक्वल टू, यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और ये जो KH है ये क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है, इसको यूज़ किया जाता है इंक्रीज करने के लिए सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। इसलिए हम लोग जो बोतल होती हैं इनकी, इनको हाई प्रेशर पे सील करते हैं। और इसको यूज़ किया जाता है अवॉइड करने के लिए बेंट चेस्ट टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, जो कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस की वजह से होते हैं ब्लड के अंदर। इसलिए इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं यानी जो टैंक होते हैं उनमें क्या करते हैं, हीलियम को डाइल्यूट कर लेते हैं। और ये बेंट क्या होता है, बेंट को हम बता देते हैं, जैसे कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब पानी के अंदर नीचे जाते हैं, तो नीचे जब जाते हैं तब क्या होता है प्रेशर इंक्रीज़ होता है, इससे क्या होता है जो हमारे खून होता है ब्लड होता है उसके अंदर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस की जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है सॉलिबिलिटी। और जब वो स्कूबा डाइवर ऊपर आता है पानी की सतह पर तब क्या होता है, तब प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है जो गैसेस होती है वो तुरंत बाहर आने लगती हैं अपनी कैपिलरीज से, और वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं, उससे क्या होता है कि कई सारा पेन होता है, इसी को बेंट जैसी कंडीशन कहते हैं। और जब इससे बचना रहता है स्कूबा डाइवर तो वो लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी हीलियम को डाइल्यूट कर लेते हैं, इससे जो कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो हाई नहीं होती है, और बेंट जैसे टॉक्सिक इफेक्ट होने से बच जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या है, आगे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको आप लोग ऐसे जानते हैं कि इसका जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है, और जो सॉल्यूट होते हैं वो तीनों हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। और ये जो लिक्विड होते हैं सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट जो होते हैं वो मेनली वोलाटाइल होते हैं, और ये जो सॉल्यूट जो होते हैं वो मे भी वोलाटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये वोलाटाइल क्या होता है, तो वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जो कि इवापरेट होते हैं। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर क्या है वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और लिक्विड जो सॉल्वेंट होता है वो भी वोलेटाइल है। तो ये देखो हमने कंपोनेंट को दिखाया गया है, ये जो ब्लू कलर का है ये कंपोनेंट वन है, और रेड कलर की जो बॉल है उसको कंपोनेंट टू लिया गया है। तो दोनों वोलेटाइल है, तो इनका कुछ दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कुछ, इसको हम लोग P1 और P2 मानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन और टू को, और इनका मोल फ्रैक्शन भी होगा X1 और X2। तो फिर इसको आगे देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक राउस थे, राउस ने इनके ऊपर एक लॉ दिया था, वो कहा था कि फॉर ए वोलाटाइल लिक्विड जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग उस उन दोनों को पार्शियल प्रेशर जो है P1 और P2, इनको हम लोग इस तरह भी रख सकते हैं, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1 और P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। और ये जो P1 और P2 नॉट है ये पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं प्योर कंपोनेंट के, और
फिर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, जब हम लोगों ने ये जो कंटेनर दिया गया है इसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिला दिया, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन पी वन और पी टू के सम के बराबर होगा। तो फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स टू पी टू नॉट, और उसके बाद एक्स वन को हम लोग वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हैं क्योंकि दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल वन होगा। तो फिर एक्स वन को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू। इस तरह हम लोग पी टोटल को क्या लिख सकते हैं, पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट होल ब्रैकेट एक्स टू। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो पार्शियल पेपर प्रेशर होगा, टोटल पार्शियल पेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के जो कि डाला गया है सॉल्यूट दूसरा जो। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या होता है, आगे दिया गया है वेपर प्रेशर इन वेपर फेज इन वेपर लिक्विड। तो ये जो पहले हम लोग देख रहे थे ये लिक्विड के अंदर का देख रहे थे, तो फिर अब हम लोग जो लिक्विड के ऊपर है यानी जो कंटेनर है उसमें जो ऊपर साइड है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या मानना है कि जो वेपर फेज है उसमें क्या है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट है वो वाई वन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरे कंपोनेंट का क्या है, वाई टू है। तो फिर मेरे जो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा वेपर फेज में, पी वन इक्वल टू वाई वन पी टोटल और पी टू इक्वल टू वाई टू पी टोटल। और ये जो पी टोटल है ये पी वन और ये पी टू है, पी वन और पी टू है, और इन जनरल में भी हम लोग देख सकते हैं पी आई इक्वल टू वाई आई पी टोटल, यानी पूरे सॉल्यूशन का इस तरह पूरे जो वेपर फेज है उसका भी इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे एक थोड़ा सा शॉर्ट सा दिया गया, कहा गया है कि राउल्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस में हैंडी लॉ भी बन जाता है। पहले हम लोग राउल्स लॉ और हैंडी लॉ की इक्वेशन को देखते हैं, मतलब तो इंटीग्रेशन देखते हैं, पी आई इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट और पी इक्वल टू पी एच एक्स नॉट। तो इसमें क्या है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या पता चलता है कि जो दोनों इक्वेशन इनमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का गैस के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के। तो फिर ये जो दोनों है इनमें जो पी प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है उनके प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का, के एच और पी एन नॉट का। तो अगर ये जो के एच और पी एन नॉट की वैल्यू अगर कभी इक्वल हो जाए तब क्या होगा, उस केस में, उस स्पेशल केस में जो राउल्स लॉ होगा वो इक्वल हो जाएगा हेनरी लॉ के। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, दूसरा दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इससे आप लोग पहले देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले सबसे पहले उसके पहले देखा था वेपर प्रेशर देखा था गैस इन लिक्विड में, उसके बाद हम लोगों ने देखा लिक्विड इन लिक्विड में वेपर प्रेशर, अब हम लोग देख रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड में, यानी तीनों सॉल्यूट जो है उनको यूज़ उनके बारे में, उनके वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया है। तो फिर चलिए देखते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड में, तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं वो मेनली नॉन वोलाटाइल होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तब क्या होता है जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है स्लोली। तो जैसे कि आप लोग खुद डायग्राम में देख सकते हैं, तो जैसे पहला दिया गया है इसमें पी सॉल्वेंट है, तो इसमें देखो जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और जब हम लोग वन मोल ऑफ सॉल्वेंट तो मैं वन मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, तब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। तो ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है ये डिपेंड करता है कि कितना हम लोगों ने सॉल्यूट डाला है, डाला यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को कितना डाला है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, मतलब बिना उसके नेचर को जाने हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उतना प्रेशर तब डिक्रीज होता है जब हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ सुक्रोज डालते हैं, और उतना ही वेपर प्रेशर तब भी कम होता है जब 1 मोल ऑफ यूरिया को डालते हैं सेम क्वांटिटी यानी 1 kg वाटर में। तो इससे क्या होता है कि ये जो है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना हम लोगों ने वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर के ऊपर। और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए पहले जो डायग्राम है तो देखते हैं कि सिर्फ जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, मगर जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तब क्या करते हैं, वो भी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इससे क्या होता है जो सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट जो के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसीलिए वो एस्केप भी कम होते हैं क्योंकि वो ऊपर आ जाते हैं सॉल्यूट के और वो उनको रोके रखते हैं नीचे से। और उसके बाद आगे देखते हैं, इसी से ये जो है इससे एक जनरल लॉ निकलता है राउल्स लॉ का, जिसको हम लोग स्टेट कैसे करते हैं, फॉर एनी सॉल्यूशन यानी किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सभी ईच वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से। तो इसके लिए हम लोग इसका ये भी देख सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट दिया गया है और सॉल्यूट है इनको हम लोग मान क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट जो है वन कंपोनेंट है और सॉल्यूट जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। तो ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, तो फिर इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि ये वेपराइज नहीं होगा, तो सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर, मतलब वेपर फेज में। तो वेपर फेज इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, पी वन का पी वन इजकल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, एक्स वन होगा, और प्योर वेपर प्रेशर यानी जो पहले कंपोनेंट पहले वेपर प्रेशर था वो पी वन नॉट था। तो अकॉर्डिंग टू डी राउल्स लॉ क्या हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो फिर पी वन इजकल टू एक्स वन पी वन नॉट, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी। इससे हम लोग इक्वेशन मिल जाती है पी वन इक्वल टू एक्स वन पी वन नॉट, और ये जो पी वन नॉट है ये वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, ये जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो राउल्स लॉ जो होता है उसको ओबे करते हैं, और इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है और डेल्टा बी मिक्सिंग होती है वो 0 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब
सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो कोई हीट ना रिलीज़ होती है ना एब्जॉर्ब होती है सॉल्यूशन को बनने में। और वॉल्यूम का क्या है कि जब हम लोग दोनों के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे, तब हम लोग को टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसीलिए जो डेल्टा बी मिक्सिंग वो भी जीरो होता है, और डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी जीरो होता है। और ये जो ए बी भी दिया गया है, तो ए जो है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और बी भी जो है वो सॉल्यूट सॉल्यूट है, और ए भी क्या है सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो इक्वल होता है। और कुछ एग्जांपल भी दिए गए, जैसे एन एक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन और टाउलिन, ये जो हैं ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है, ये क्या कहते हैं, ये रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं, और इनकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है, डेल्टा बी मिक्सिंग होती है, वो भी जीरो नहीं होती है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूट में भी वो भी कम होता है। मगर ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ में क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और डेल्टा बी मिक्सिंग जो होती है वो भी ज़्यादा होती है जीरो से। और इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और इसका हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल जो और एसीटोन जो है वो इस तरह के पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ को शो करते हैं। और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन भी एक एग्जाम्पल है इसी का। इनमें क्या होता है, जो इथेनॉल इथेनॉल और एसीटोन एसीटोन का जो अट्रैक्शन होता है वो इथेनॉल और एसीटोन के बॉन्ड से कम होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स दिखाते हैं। और इससे आप लोग ये भी ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन ये जनरल दिया गया, और ये जो दूसरी ब्लू कलर की है ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है रॉल्स लॉ की तरफ। और इससे क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, जो वेपर प्रेशर जो होता है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। उसके बाद दूसरा देखते हैं नेगेटिव डिवीजन टुवर्ड्स लॉ। इसमें क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो कम होती है जीरो से, और डेल्टा बी मिक्सिंग होती है वो भी कम होती है जीरो से। और इनके बीच में जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या मान लेते हैं, फिनॉल और एसीटोन जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो है वो भी इसके एग्जाम्पल है। और ये नेगेटिव डिवीजन दिखाता है, इससे आप लोग देख सकते हैं ये जो स्लोप बनना है वो नीचे की तरफ हो रहा है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं, आगे क्या आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को, ना कि उनके नेचर पार्टिकल को। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, ये चार तरह की होती है, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग ये जो टाइप दिए गए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इनको पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का नॉन वोलर टाइप का, जैसे कि हम पहले ने देखा था, वो क्या होता था, पी वन इक्वल टू एक्स वन पी वन नॉट। तो इससे हम लोग क्या मान सकते हैं, और रिलेटिव लोडिंग मतलब कितने, और फिर बाद में हम लोग क्या देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का, यानी जो जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो जो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ उसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, रिडक्शन जितना हुआ उसको हम लोग डेल्टा पी वन नॉट मानते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कहते हैं, जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा उससे हम लोग जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसको माइनस करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी वन मिलेगा, पी वन नॉट वन माइनस एक्स वन, और वन माइनस एक्स वन को हम लोग एस टू भी लिख सकते हैं। और फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी वन इक्वल टू एक्स टू पी वन नॉट, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इक्वल एक्स टू। ये जो डेल्टा पी वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। एक्स टू जो है ये मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का, तो फिर एक्स टू को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। मगर ये जो यहाँ पे जो एन टू दिया गया है, अरे ये क्या है, एन वन एन टू, तो फिर ये जो एन टू है ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है एन वन से। यहाँ पे ये देखिए थोड़ी मिस्टेक है, एरर है, इसको आप लोग ठीक कर सकते हैं। ये जो एन टू इधर साइड में दिया गया है, राइट साइड में, वो वन है एन वन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एन टू होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, फिर सिर्फ एन वन को लेते हैं। तो फिर हम लोगों का रिलेशन क्या मिल जाता है, पी वन नॉट इज पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। और ये जो एन टू बाय एन वन है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू बाय एम टू इन टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन। और इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग को लास्ट में इक्वेशन मिली है ऊपर में, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल नर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, जब अगर हम लोगों को सभी क्वांटिटीज़ यानी डब्ल्यू टू एम वन डब्ल्यू वन पी वन नॉट और पी वन हम लोगों को गिवन है, तब हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल
निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है सॉल्वेंट के अंदर, यानी प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो मान लीजिए ये जो टी बी नॉट है ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, और ये जो टी बी है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का। तो और जो डेल्टा टी बी है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका क्या था, टेम्परेचर जो था वो कम था, और ये जो टी नॉट यानी टी बी है ये सॉल्यूशन का है ये ज़्यादा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टी बी है। तो ये जो टी बी है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है कि ये जो डेल्टा टी बी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और इसलिए हम लोग इसको इस तरह भी ले सकते हैं, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी एम। एम जो है मोलैलिटी, और ये जो के बी है ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, और इसको हम लोग मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, कभी कभी इब्लस स्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसीलिए ये जो इब्लस स्कोपिक कॉन्स्टेंट नाम है ये कभी कभी पूछी जाती है कि बताइए इब्लस स्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो इससे आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है केल्विन केजी पर मोल होती है इसकी यूनिट। और उसके बाद ये जो मोलैलिटी होती है स्मॉल एम, इसको हम लोग इस तरफ ले सकते हैं 1000 × W2 / M2 × W1 लिख सकते हैं। और जब हम लोग ये एम है स्मॉल एम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे डेल्टा टी बी के बी एम में, तब हम लोग को क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू 1000 × W2 / M2 × W1। और ये जो डब्ल्यू टू है ये क्या है मोलर यानी गिवन मास होता है सॉल्यूट का, और डब्ल्यू वन होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का, और ये जो एम टू दिया गया है एम टू का ये मोलर मास होता है सॉल्यूट का। तो ये जो हम लोगों को डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू 1000 × W2 / M2 × W1 मिली है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एम टू इजकल टू 1000 × W1 × के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन। और ये जो इक्वेशन मिली है हम लोगों को, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एम टू है यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हम लोगों को डेल्टा टी बी डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू और के बी की वैल्यू नोन हो यानी मालूम हो निकाल सकते हैं। तो चलिए ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट खत्म होता है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उससे कम हो जाता है, यानी जैसे मान लीजिए जीरो होता है पहले तो उससे कम ही पे वो बॉयल हो जाते हैं यानी मतलब फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री से कम पे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो डेल्टा टी एफ इसको हम लोग क्या कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और ये जो टी एफ नॉट है ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का यानी लिक्विड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ये जो टी एफ है ये क्या होता है ये सॉल्यूशन का होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है यानी फ्रोजन। और ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा है कि जैसे कि डेल्टा टी बी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी की, उसी तरह ये भी डेल्टा टी एफ भी मोलैरिटी के इक्वल है, तो इसको भी हम लोग डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम लिख सकते हैं। और ये जो के एफ है ये क्या होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। और इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ये भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी भी यूनिट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है के बी से, यानी केल्विन के जी पर मोल होती है के एफ की यूनिट। और ये जो स्मॉल है इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं W2 / W2 × 1000 / M2 × W1 लिख सकते हैं, और इसको जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को डेल्टा टी एफ को के एफ इंटू स्मॉल एम में, तो हम लोग को डेल्टा टी एफ मिलेगा के एफ इंटू W2 / M2 / W1 / 1000, और इससे हम लोग को डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा के एफ इंटू W2 × 1000 / M2 × W1। और इसी तरह हम लोग वैल्यू वाली तरह इसको भी ले सकते हैं एम टू इक्वल टू के एफ इंटू W2 × 1000 / Δ TF × W1। और इसी तरह हम लोग मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूट का, अगर हम लोगों को W1, W2 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन हो। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये जो के एफ और के बी की वैल्यू होती हैं ये जो होती हैं ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, और इसको हम लोग इस तरह ये जो फॉलोइंग दिए गए हैं ये दोनों इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो के एफ है इसको हम लोग क्या कहते हैं R × M1 × TF² / 1000 × Δ हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो के बी है के बी क्या है R × M1 × TB² / 1000 × Δ हीट ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें जो आर है और एम है ये क्या है गैस कांस्टेंट है, और एम वन जो है मोलर मास होता है सॉल्वेंट का, और ये जो डेल्टा टी एफ और टी बी दी ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं प्योर सॉल्वेंट के यानी सॉल्वेंट के। और ये जो डेल्टा फ्यूजन हीट लिखी है या डेल्टा वेपर हीट लिखी है ये क्या होती है इंथैल्पीज होती हैं फ्यूजन की वेपराइजेशन की सॉल्वेंट के अंदर। ये अगर हम लोगों को गिवन हो तो हम लोग ये जो के एफ और के बी की वैल्यू है इनको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्या देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। तो पहले ऑस्मोसिस देखते हैं, तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये फिनोमेना होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और सॉल्यूट
लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है सॉल्यूशन की तरफ, और दूसरे में क्या कर सकते हैं कि जो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है उसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट जो होता है वो फ्लो होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें देख सकते हैं कि ये जो फाइनल टाइप का दिया गया है इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये कवर्ड क्या है, सेमी परमेबल कवर्ड है, और ये जो इसके अंदर है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो पीक है यानी हाइट है वो फाइनल की वाटर की लेवल की जो है वो ऊपर हो रही है, जैसे कि एच दी गई है ना। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये पास हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है यानी एक पतली सीट होती है। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो लेवल पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ वही पास हो पाते हैं, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं इसलिए वो पास नहीं होते हैं। तो इससे आप लोग देख सकते हैं, और ये इससे हम लोग ये भी पता चलता है, ये ऑस्मेटिक की जो डिफिनेशन है वो भी प्रूव होती है कि इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो पास हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। और ये भी लिखा है लो सॉल्यूट, यानी जो सॉल्वेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, लो सॉल्यूट होता है, तो फिर ये लो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं यानी सॉल्वेंट के वो मूव हो रहे हैं हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन यानी सॉल्यूशन के अंदर वो हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो लेवल है वाटर का वो बढ़ जा रहा है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, ये एक्सेस प्रेशर होता है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन दिया गया है इसमें हम लोगों ने पाई लगाया, तो इससे क्या हुआ, जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल सेमी परमेबल द्वारा आ रहे थे ऑस्मोसिस से वो होते हैं वो रुक जाते हैं। और एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने फाउंड किया और देखा कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के यानी सी के, सी को हम मोलैरिटी मानने मोलैरिटी से डिनोट कर रहे हैं, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से हम लोगों को रिलेशन क्या मिल जाता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये जो पाई है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये जो आर दिया गया है ये गैस कांस्टेंट है, और ये मोलैरिटी जो है मोलैरिटी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, यानी N2/V लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई वी इक्वल टू N2, हम लोग और आगे लिख सकते हैं W2/N2 में, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी पाई वी W2RT/M2। और इसी तरह हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं M2 इक्वल टू W2RT/πV। इस तरह हम लोग जो ऊपर इक्वेशन मिली है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हम लोगों को W2RT और पाई वी की वैल्यू गिवन हो। ये जो आर होती है इसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट रहती है, इसको देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये बहुत अच्छा मैटर होता है डिटरमाइन करने के लिए मोलर मास को, क्योंकि ज़्यादातर और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोटीन पॉलीमर अदर मोनोमर माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके मोलर मास को डिटरमाइन करने में यूज़ किया जाता है। और ये अच्छा क्यों होता है मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं और ये जो पॉलीमर होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं और हाई टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रूम टेम्परेचर पर भी होता है, इसलिए ये बेस्ट मेथड है दूसरों के मुकाबले। और उसके बाद आगे क्या देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक गिवन टेम्परेचर पर वो इक्वल होता है, जैसे कि π1 और π2, ये दो हैं सॉल्यूशन का, मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है जो है वो इक्वल है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में π1 का मान लेते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का जो कि इनसाइड होता है ब्लड का, और दूसरा जो π2 है वो क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है सॉल्यूशन का 0.9% मास बाय वॉल्यूम में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये जो दोनों होते हैं इनका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो इसीलिए ये जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए सेफ़ रहता है इंजेक्शन करने के लिए, मतलब इंटरवेनस इंजेक्शन के लिए। जैसे कि जो इंजेक्शन होते हैं हम लोगों को कभी भूखे जाते हैं वैक्सीन वैक्सीन के, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर फ्लूड का कंसनट्रेशन होता है ना, वो इक्वल होता है इन लिक्विड्स के अंदर यानी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर भी, यानी जो वैक्सीन होती है उनके लिक्विड्स के अंदर भी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम, इसलिए ये जो होता है ये हमारी बॉडी में सेफ रहते हैं इंजेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग क्या कहते हैं हाई कंसनट्रेशन या फिर लो कंसनट्रेशन से कर देते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं इन सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये जो स्लाइन सोल्यूशन होता है यानी सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.9% जो मास बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन स्लाइन सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो ब्लड सेल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर जो ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट होंगे मतलब जो सॉल्वेंट होंगे वो इसके अंदर जाने लगेंगे यानी स्लाइन सॉल्यूशन के अंदर, इससे क्या होंगे जो ब्लड सेल होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे यानी सिकुड़ने लगेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या होता है हाइपरटोनिक, अगर यही स्लाइन सॉल्यूशन 0.9 मास बाय वॉल्यूम से कम कर दिया जाए तब क्या होगा कि अगर उसमें कम हो गया, ये स्लाइन सॉल्यूशन में कम हो गया मास बाय वॉल्यूम में, तो इसके जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं वो ब्लड के अंदर जाने लगेंगे, इससे क्या होंगे ये जो होंगे ये स्वेल अप होने लगेंगे यानी बढ़ने लगेंगे, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखा है और आइसोटोनिक भी लिखा है, तो आइसोटोनिक का दोनों साइड इक्वल होंगे तो जो ब्लड का सेल का जो साइज होगा वो एक ही जैसा रहेगा, और डायग्राम से आप लोग इसको देख सकते हैं कि हाइपरटोनिक श्रिंक होकर बिल्कुल बिंदी बिंदी तरह छोटे हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है
फोटोनिक में किस में जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, अगर यही ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सॉल्यूशन की साइड पे और भी, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर जब रुकता है ऑस्मोसिस, उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे, तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। यानी सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो फ्लो होने लगेंगे सॉल्वेंट के अंदर। और ये लिखा भी गया कि द फिनोमेना इन विच सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा उधर से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, इसी फिनोमेना को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये होता कैसे है कि सॉल्यूशन साइड पे हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। और ये यूज़ क्या किया जाता है, ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप लोग सेटअप देख सकते हैं डायग्राम का कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्ट वाटर यानी सी वाटर मान लीजिए, इसमें हम लोग जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का, तो सॉल्वेंट जो होते हैं यानी वाटर जो होते हैं इसके अंदर के, वो क्या होते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है, इससे ये जो सेटअप दिया गया है इसमें एक अलग तरह का सेलुलोज एसीटेट का सेमी परमेबल यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से इसमें एक यूनिक क्वालिटी का यानी अच्छी क्वालिटी का सेमी परमेबल यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग सेलुलोस एसीटेट कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो सिर्फ वही पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और फ्रेश वाटर आउटलेट से जैसे वाटर आउटलेट है उससे निकल जाता है। और जो सॉल्ट मतलब सी वाटर होते हैं उसके अंदर जितने आयन प्रेजेंट सॉल्ट प्रेजेंट होती हैं वो सेमी परमेबल से रुक जाती हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो वो पास नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बहुत आजकल यूज़ किया जा रहा है बाहरी देशों में, बहुत सी कंट्रीज़ में ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है इसको भी प्लांट किया गया है, जिससे कि हम लोग अपनी रोज़ाना यूज़ ऑफ वाटर को पा सकें ईजिली। उसके बाद दूसरा क्या था, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास आप लोग वैसे ही जानते हैं कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में आयन आयन को डालते हैं तब वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, तो इससे क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ KCl को जब हम लोगों ने पानी में डाला तब क्या होगा कि तब वो डिसोसिएट हो जाएगा 1 मोल ऑफ K पॉजिटिव आयन में यानी Cl पॉजिटिव आयन में, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर 2 मोल प्रेजेंट हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो इसी तरह इसी को ठीक करने के लिए एक वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और आई क्या होता है कि जो नॉर्मल मोलर मास जो होता है पहले उसको हम लोग डिवाइड करते हैं अब नॉर्मल मोलर मास से जो कि आया हुआ होता है, इससे हम लोगों को सही तरह से मोलर मास मिल जाता है। और उस आई को इस तरह भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो नॉर्मल मोलर मास है इसके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो मोलर मास जो कि लो हो रहा हो या फिर हाई हो रहा हो एक्सेप्टेड नॉर्मल वैल्यू से, उसको एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है आई, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, मतलब जो पहले डिसोसिएट थे उससे डिवाइड करना होगा जो डिसोसिएशन होने के बाद हुए हुए हैं। तो ये जो वेंट ऑफ फैक्टर, इससे हम लोगों ने कंक्लूजन लिया, और ये जो कलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं जिससे कि हम लोग जो हर कंडीशन में हम लोगों को करेक्ट वैल्यू मिले। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं इनमें हम लोग क्या कहते हैं जो आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे हम लोगों को क्या मिलता है, करेक्ट वैल्यूज़ मिलती हैं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं, तो फिर चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। तो उस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को स्टडी विद जीजे को। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर ईमेल आईडी लिख सकते हैं, मैं खुद भेज दूंगा आपको। तो थैंक यू।